जर्नैल ने जिंदगी में सिर्फ दौलत लूटी है, बहू बेटियों की इज्जत नहीं, समझा? मुझे माफ कर दो सरदार। माफी हमसे नहीं, इस लड़की से मांग जिसकी इज्जत पे तू हाथ डाला रहा। मांग माफी इस मामूली लड़की से? ये क्या कह रहे हैं सरदार? मैं कहता हूं मांग माफी, मैं कहता हूं मांग माफी, माफी मांग जोरावर, मैं कहता हूं माफी मांग, माफी मांग जोरावर। बहनों की इज्जत का लुटेरा है, आज के बाद ये जलील आदमी हमारी गिरोह में नजर न आने पाए। आए शाबाश शाबाश मेरा सूरज बेटे, आए शाबाश। आज हमका विश्वास हो गया कि हमारे बाद हमारी बंदूक उठाने वाले हाथ मजबूत हो चुके हैं। तो हाथ जैसा बाप हमने आज तक नहीं देखा, जॉन अपने ही बेटे के हाथों में कलम की जगह बंदूक दे दी। वो इसलिए केस बिहेड़ में जिंदा रहने के लिए कलम के नहीं बंदूक की जरूरत पड़त है। आग लगेगी बिहड़ के, जॉन तुमको ठाकुर जनरल से डाकू जनरल सिंह बना दिया, लेकिन याद रखियो इस वीराने को तुम हमारे बेटे की तकदीर में लिख दो, ये कभी नहीं हो सकत, समझे? टकराइन, तुझे कितनी बार कहा है कि माथे से पत्थर फोड़ने की कोशिश मत किया कर, तू कुछ भी कह ले, डाकू का बेटा डाकू ही बनेगा, पुलिस ऑफिसर कभी नहीं बन सकता। तो हर बाप तो एक अच्छा किसान रहा, फिर तुम डाकू कैसे बन गए? जोरावर सोनापुर गांव में रज्जो बाई के कोठे पे है। रज्जो सूरज पुलिस थाने में है। मुझे गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने किसी मर्द को तैनात किया है, मगर एक बच्चे का सहारा लेकर मुझे गिरफ्तार करने वाला कभी मर्द नहीं हो सकता।
जर्नैल सिंह, मेरी मर्दानगी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि तुम अभी तक जिंदा हो, वरना वरना वो छाती तुम्हारे पास नहीं है जो इन सब की गोलियों का लोहा बर्दाश्त कर सके। तो आगे बढ़ो और गिरफ्तार कर लो मुझे। जब तक मेरा बेटा तुम्हारे पास है, मैं तो हथियार रखते हुए भी निहत्ता हूं। अगर यहां एक डाकू आता तो जरूर गिरफ्तार कर लिया जाता, मगर एक बाप आया है जिसका बेटा खो गया है। सूरज, आओ बेटे। देखो तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने आए। की मुलाकात हमेशा याद रखिए कि कोनो मर्द से मुलाकात हुई रही। मां भवानी की कसम, जिंदगी में एक ही तमन्ना रहेगी कि अगर मौत आए तो तुमरी गोली से आए, कौन बुजदिल की गोली से नहीं। संग्राम सिंह, हाथ अड़ाकू को छोड़ देना, आखिर से तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है सर कि जुर्म करना दिमागी बीमारी है और इसका इलाज सख्ती से नहीं, नरमी और भरोसे के जरिए किया जा सकता है। मुझे तुम्हारे लेक्चर की नहीं, एक्शन की जरूरत है। 24 घंटे के अंदर अंदर डाकू जनरल सिंह गिरफ्तार होना ही चाहिए। दिस इज माय ऑर्डर, अंडरस्टैंड? यस सर। कर्म ही इंसान का धर्म है, कर्म ही इंसान का धर्म है, कर्म ही इंसान का धर्म है, कर्म ही इंसान का धर्म है। ठाकुर, हमार सूरज बड़े स्कूल में जाएगा, खूब पढ़ेगा, देखना मैं इसे पुलिस का सबसे बड़ा अफसर बनाऊंगी। और हमार सूरज जब पहली बार पुलिस की वर्दी पहन के आएगा ना, तो हम दोनों उसे सल्यूट करेंगे। चंपा, तू ये दिन में सपने देखना कब बंद करेगी? सरदार, 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 पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो है हमरी कसम, हम तो है नहीं जाने देंगे, हम तो है नहीं जाने देंगे। ठाकुर की बेहड़ में आकर कोई उसे ललकारे, ये ठाकुर कभी सहन नहीं कर सकते। हट जा चंपा। नहीं ठाकुर, हट जा। ठाकुर, ठाकुर। जनरल सिंह, तुम चारों तरफ से पुलिस के घेरे में लिए जा चुके हो, हथियार फेंक दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कम से कम सजा मिले, वरना अपनी और अपने साथियों की मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। Thank you.
बनकर ये दुनिया कहेगी कि सूरज एक कायर का बेटा नहीं, था। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ठाकुर, नहीं ठाकुर, प्लीज। मैं कहता Come on.